अहम खबर आपको देंगे। रियासत मुखालिफ तकारीर पर वफाकी हुकूमत का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन पर गौर। 8 सितंबर को जलसे में की गई तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। संजानी जलसे में की गई तकारीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत शुरू हो गई। रियासत मुखालिफ तकारीर पर वफाकी हुकूमत का पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सख्त एक्शन पर गौर। 8 सितंबर को जलसे में की गई तकारीर पर हुकूमत एक्शन में आ गई। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहरयार खान से। जी शहरयार, क्या मालूम है आपके पास? देखिए, इस हवाले से वजारत कानून ने और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने मशावरत मुकम्मल कर ली है और ये फैसला किया गया है कि जो 8 सितंबर को जलसे में इश्तेहाल अंगेज तकारीर पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से की गई थी उन पर जो है जो सेक्शन 196 के तहत फौजदारी मुकदमात जो है वो दर्ज करवाए जाएंगे और सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात जो है वो नाकाबिले जमानत होते हैं और इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत भी नहीं होगी। तो इस हवाले से ये मामला जो है अब वजारत कानून से वफाकी काबीना को भेजा जाएगा और वजारत जो वफाकी फैसला करेगी और फिर ये मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शहरयार, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।